सो है गाइस, फिर से आ गए एक नए व्लॉग के साथ। और आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि सब लोग मुझसे पहले पूछते हैं कि भाई तू यार इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग कैसे करता है, इतनी अच्छी ऐसे मतलब कैसे कर लेता है। तो मैं आपको आज सारी बात अपनी सारी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक, आप देख सकते हैं, मेरे पास एक ट्राईपोड है। यूं ही कुछ 2-3 फिट 4 फिट का होगा शायद, देखते हैं एक बार, मैंने अभी तक देखा नहीं है। हाँ, 3 फीट का मेरे पास ये ट्राईपोड है। और इस ट्राईपोड को मैं अपनी जो टेबल रखी, जो मेरी स्टडी की टेबल है, इस टेबल पर मैं ऐसे रखता हूँ। रखने के बाद जो सामने का लाइट रहती है, जो मेरे पास एक बल्ब है, दिखा देता हूँ आपको मैं, ये एक बल्ब, एक ही बल्ब है। और उसके बाद जो मेरे टेबल में, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जो मेरे टेबल पे एक लाइट लगी हुई है यहाँ पर, और इसी लाइट को मैं जलाकर मतलब चालू करता हूँ। और जो सामने मैं कैमरे को इस टाइप से मैं फिट करता हूँ, सामने इसमें इस टाइप से ऐसे अंदर फिट करता हूँ। तो मैंने मोबाइल को एकदम जैसे सीधा कर लिया है। आप थोड़ा स्क्रीन को ऐसे घुमा लेना, रोटेट कर लेना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे, अभी इतनी दूरी पर मैं मतलब अपने मोबाइल को सिर्फ इतनी दूरी पर, अपने दूरी से इतनी दूरी पर रखता हूँ मोबाइल को, ठीक है, इतनी दूरी पर, जो मेरे जो सिर का, जो मेरी सिर की जो बराबर है, इस साइड में रखता हूँ मैं मोबाइल को इतनी दूरी पर। बस हल्का सा थोड़ा ऊपर रहेगा और कैमरे का जो जो फ्रंट रहेगा वो थोड़ा नीचे से डाउन रहेगा, ठीक है। उसके बाद बस जो भी एक्टिंग रहती है यहीं से मैं पूरा एडिट करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ। किसी से नहीं, मैं एडिट भी बताता हूँ, तो मैं एडिट है ना VN एप्लीकेशन से करता हूँ, और उसी से मैं सारा जो रहता है सब उससे करता हूँ, ठीक है। तो अपना ऐसा ही है। और मेरे पास कोई कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है मैं वीडियो को कैमरे से शूट करता हूँ, ना कोई जरूर कैमरे मेरे से शूट नहीं करता मैं वीडियो को। और अभी एक मेरी रील्स मैंने इंस्टाग्राम पर डाली थी, मैं इंस्टाग्राम का आपको यहाँ पर मेरा चैनल दिख रहा होगा आपको, तो जाओ और फॉलो करो इंस्टाग्राम पर मुझे। और मैंने अभी एक रील डाली थी जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, ऐसे फोटो है, ऐसे पीछे बैकग्राउंड में अंधेरा हो जाता है पूरा और आगे सामने से लाइट। तो देखिए, जिसके पास रिंग लाइट नहीं होती है, जो रिंग लाइट होती है वो सामने चलती है, उसमें से मतलब उसकी जो क्वालिटी आती है बहुत शानदार आती है मोबाइल में, कैमरे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उसकी मतलब रिंग लाइट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी वो वीडियो बनाई। वो वीडियो मैंने कैसे बनाई मैं आपको बताता हूँ एक बार। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो रिंग लाइट वाली जो वीडियो है वो बनाई कैसे थी। एक्चुअली ये जो कमरा है ना, जो रूम है मेरा, वो एक ये रूम है और उसके साइड में एक मेरा ये वाला रूम है जिसमें हम आ गए हैं अभी। और अभी भी हम यहाँ की लाइट चालू कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला रूम है और ये मेरा अंदर जो मेन रूम है ना, वो मेरा ये वाला रूम है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वो वाली वीडियो मैंने कैसे बनाई थी वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाई थी मैंने वीडियो, ठीक है। जो मेरे ये वाला लट्टू है, ठीक है, बड़ा वाला, जो बड़ा बल्ब है, बड़ा बल्ब, और इसमें भी इस वाले रूम में मेरा बड़ा बल्ब है, ठीक है। और दोनों बल्ब को मैंने इस वाले रूम में लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर। और जो मेरा ट्राईपोड है, वो ट्राईपोड मैंने मेरे इस वाले मतलब ये जो ट्राईपोड है मेरा, वो मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा जो कमरा है दोनों रूम के बिल्कुल बीच में, ठीक है, इतनी दूरी पर मैंने अपना ट्राईपोड ला के रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा ये वाला जो रूम है, जो ये वाला रूम है, और ये रूम की मैंने दोनों लाइट, जो लाइट्स है, मैंने सारे ऑफ कर दिए थे, ठीक है। मतलब इस वाले रूम में अंधेरा हो जाता और इस वाले रूम में उजाला हो जाता, ठीक है, पूरा। तो जो भी लाइट रहती, जो से रिंग लाइट भी रहती, पर रिंग लाइट पे वीडियो बनाते हैं तो वो भी सामने से वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और पीछे का बैकग्राउंड रहता है वो अंधेरा वाला, जैसे कि अभी हमने इस कमरे की लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो उजाला है पूरा वो इस कमरे से आ रहा, और जो भी अंधेरा है पीछे बैकग्राउंड में है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ की लाइट चालू करते हैं, ये। तो इस टाइप से मैंने अपने जो जुगाड़ करके मैंने अपने इंस्टाग्राम की रील्स बनाई थी, वो काफ़ी वायरल नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, लेकिन वायरल भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन हाँ, मैंने वो रील वीडियो ऐसे ही बनाई थी, ठीक है। मेरे पास कोई रिंग लाइट नहीं है और बाकी सब जो आपके सामने मैं अपना पूरा दिखाई बता ही देता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में रखे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई से नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और अगर आपको मेरा व्लॉग चैनल पसंद आया तो प्लीज़
प्लीज़ गाइस लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।